हमें इस चटनी को बनाने के लिए प्याज, लहसुन, करी पत्ते, धनिया पत्ती, जीरा और खड़ी लाल मिर्ची और टमाटर चाहिए। और अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें तेल लेंगे। उसे हीट करेंगे। जब तेल हीट हो जाएगा तब उसमें हम जीरा और खड़ी मिर्ची डाल देंगे। चाहे तो आप हींग भी डाल सकते हैं और करी पत्ता भी अब उसमें हम डाल देंगे। हींग डालने से उसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छे से स्पाइसी हो जाता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आप चाहे तो हींग ऐड कर सकते हैं इसमें, और ये ज़्यादा समय नहीं लेती। अब इसमें हम प्याज और लहसुन ऐड कर रहे हैं, ये मैक्सिमम 10 मिनट्स में बन जाती है। नमक लेंगे हम, प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आप हल्का सा ट्रांसपेरेंट इसमें भी बन टमाटर ऐड कर सकते हैं। हमने टमाटर ऐड कर दिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें धनिया पत्ती भी डाल देंगे। अब हम धनिया को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम ढक्कन से इसे ढक देंगे और फिर 10-15 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट पकाएंगे और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। जब टमाटर स्किन छोड़ने लगे तो समझ जाइएगा ये पक गई है। इस तरीके से आप ले लीजिए, चाहे तो आप गार्निश कर लीजिए और किसी के साथ भी खाइए, रोटी पराठा।